एक तरफ भागलपुर जिले में लगातार अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले खाकी की हनक दिखाते हुए लोगों से रुपया ऐंठते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र की मारवाड़ी पाठशाला के समीप का है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरह कोतवाली पुलिस की गाड़ी लगी है, जिसके द्वारा दोपहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई बाइक सवार को चेकिंग के दौरान रोका जाता है और फिर शुरू होता है रुपये का खेल। रोके गए वाहन मालिक और चालकों से पुलिस कर्मी अपने सिविल ड्रेस में मौजूद साथी के सहयोग से वसूली करते दिखे। पुलिस के जवान यदि इतनी मुस्तैदी अपराधियों के खिलाफ दिखाए तो जिले में अपराध का ग्राफ कम होगा। भागलपुर में एक लड़की ने अपने ही परिजनों के द्वारा घर में बंद कर मारपीट करने और अपने घर वालों के द्वारा ही अपनी जान का खतरा होने का आरोप लगाया है। हम आपको सुल्तानगंज के बालू घाट के रहने वाले निशा कुमारी की ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं, जहां प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को फेसबुक के माध्यम से प्यार का इजहार करते हैं और प्यार परवान चढ़ते ही शादी में बदल जाने पर लड़का फरार हो जाता है। फेसबुक के जरिए निष्ठा को गुजरात के युगल किशोर से प्रेम हो जाता है और प्रेम में पागल होने पर गुजरात का युवक प्रेमिका के घर छुपके से पहुंचकर बंद कमरे में शादी रचा डालता है। तभी इसकी भनक घर वाले को लग जाती है। लड़की के घर वालों के डर से जहां लड़का फरार हो जाता है, वहीं युवती के परिजन उसको घर के कमरे में बंद कर देते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं, जिसके बाद युवती अपने साथ परिजनों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देती है। साथ ही जिले के वरीय अधिकारियों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से मारपीट और अपने जान पर खतरा होने की बात वीडियो मैसेज के माध्यम से लगाती है। साथ ही भागलपुर के डीआईजी, सीनियर एसपी, डीएसपी, थानाध्यक्ष सहित मीडिया कर्मियों से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाती है। वीडियो वायरल होने पर थानाध्यक्ष लाल बहादुर घर वालों के चुंगल से छुटकारा दिलाकर निष्ठा को थाना लाते हैं। वहीं इस मामले में थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि फेसबुक के जरिए गुजरात के युवक से प्रेम हो गया था। अगर प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाती है तो थाना में लिखा पढ़ी करते हुए शादी रचा दिया जाएगा। अगर घर वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो युवती द्वारा लिखित आवेदन देने पर कार्रवाई की जाएगी। मैं निष्ठा कुमारी सुल्तानगंज से, जिला भागलपुर, स्टेट बिहार। मेरे भाई ने मुझे 16 जुलाई को बहुत गंदे तरीके से मारा, बहुत बेरहमी से पीटा। मेरे कान की दोनों परतों पे बहुत चोट आई है, मेरी माँ पे बहुत चोट आई है। मेरी माँ मुझे मेंटली और फिजिकल टॉर्चर कर रही है। मुझे दवाई खाना में मिल खिला के अत्याचार होते जा रहा है और कोई नहीं बचा पा रहा है। सुल्तानगंज का पुलिस भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। मैंने सब जगह मैसेज किया, कोई हेल्प नहीं आ रहा है। मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लीजिए। हमारी खबर का बड़ा असर देखने को मिला जब मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर की रहने वाली रीना देवी, जो पिछले 3 महीनों से अपनी बेटी मनीषा की तलाश में थाने की चक्कर काट रहे थे, जिसकी खबर हमारे चैनल पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी हरकत में आए और CTSP पूरन झा मोजाहिदपुर थाना पहुँच कर पीड़ित माँ से पूछताछ कर केस के IO और गायब मनीषा के पति से पूछताछ की।
और पीड़िता की मां जिस लड़की पर गायब करने का आरोप लगा रही है वहां भी एएसपी ने जाकर मनीषा की सहेली से पूछताछ की। वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर अपहृत मनीषा के भाई ने आभार जताया। वहीं उसका कहना है कि खबर दिखाए जाने के बाद ही पुलिस के वरीय पदाधिकारी हरकत में आए और उसे विश्वास है कि उसकी बहन अब जल्द मिल जाएगी। वहीं गायब मनीषा के पति अब मनीषा की माँ और भाई को ही गायब करने का आरोपी बता रहे हैं, जबकि पति ने आज तक मामला भी दर्ज नहीं कराया है। वहीं मनीषा की मां का कहना है कि उसके दामाद और कोमल ने ही मिलकर मनीषा को गायब किया है। वहीं पूरे मसले पर एएसपी का कहना है कि सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। कोई लड़का के साथ में भागी है वो, और ये लोगों को पता है, साला सास ससुर सबको पता है, लेकिन ये लोग नहीं बता रहा है। बात को ढक रहा है, बात को ढक रहा है, थाना जो आ रहे हैं बराबर ये लोग। हाँ, तो ये बात को ढक रहा है, बात को दूसरा मोड़ देने के फिराक में है। अब यही लोग जाने। सर, जैसे कि अभी यहाँ पे दिवाकर राज है, तो मेरे मेहमान जी, मंझले मेहमान जी, उनको 3.5 लाख रुपया का लोन दिए हुए थे, मतलब उधार के रूप में हम लोग सहमत होके, वही नहीं देना चाहते थे, वही मनीषा को दबाव डालता था कि पैसा माफ़ करवा दो, उसी कारण उससे वो बहुत मारता पीटता था। और उसके बाद ये बात हमसे खुद मनीषा हमको शेयर की थी, जिसकी हम फैमिली को नहीं बताए थे ये बात, जो जिसका प्रूफ ये रहा मेरे पास है। हाँ बताओ क्या क्या हुआ। उसके बाद वो मारपीट करता था, तो वहाँ से हम यहाँ लाए, उसके बाद वहाँ से यहाँ आने के बाद इसमें जब 9 तारीख को यहाँ ये गायब हुई तो दिवाकर यहीं पर प्रेजेंट थे। उसके बाद ये हमको बोले थे कि आप वहाँ थाना में जाके बोलिएगा कि हम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, और उस दिन यही वो गवाही दिए थे, कौन झा थे, राजेश झा थे, उनके सामने ये गवाही दिए थे कि हम यहाँ पर नहीं हैं। उसके बाद फिर अपना स्टेटमेंट बदल के बोले कि हम यहीं थे, और ये कोमल के साथ मिली भगत है इसका। बात बोल रहा है बचने खातिर, ये बोल रहा है कि हम दूसरा शादी करेगा, हम नहीं रखेगा, ये दूसरा शादी करने के चक्कर में है। क्या लगता है? ये लग रहा है कि दूसरा शादी करेगा, और यही टिटना भी करवाया राजा दिवाकर और कोमल दोनों मिल के करवाए, और हम भी आरोप लगा रहा है दिवाकर राजा मिल के टिटना करवाया, यही मेरा बेटी बरामद कैसे हो जाएगा, ये लोग किडनैप करवा दिया, क्या होगा जी। हम लोग को जानकारी मिली है कि मुजाहिदपुर से एक मनीषा नाम की लड़की गायब है, वह पहले से शादीशुदा थी, इसी संबंध में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। रिश्ते जैसा इनकी माताजी ने एवं लड़की के पति ने बताया है कि वो किसी अपनी फ्रेंड के साथ ही मार्केट गई थी और उसके बाद से अभी नहीं लौटी है। तो विभिन्न एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि मार्केट से वो लड़की किस तरफ निकली या उनका अपहरण किया गया है। हाँ बिल्कुल, रिकवरी होगी, अभी अनुसंधान करने के बाद हम लोग रिकवरी की तरफ प्रयास करेंगे और जल्दी उसकी बरामदगी करते हैं। भागलपुर के पीरपैती मजरोही रेलवे अंडरपास पुल मामूली बारिश के बाद ही तालाब में तब्दील हो जाता है, और इन दिनों अंडरपास में लगभग 6 फीट के ऊपर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो रंगटे खड़ा कर देने वाला है। दरअसल पुल के अंडरपास से एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत गुजर रही थी, इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली समेत रेलवे अंडरपास में जमे पानी में डूब गई। गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। दरअसल रेलवे प्रशासन के द्वारा न्यू निर्माण हेतु पीरपैती रेलवे स्टेशन के दक्षिण साइड के तमाम क्षेत्रों का आवागमन रेलवे ओवरब्रिज 91 के द्वारा किया जा रहा था। आवागमन बाधित होने के कारण लोग लाचारवश पीरपैती के मजरोही अंडर पुल के द्वारा पीरपैती प्रखंड मुख्यालय और पीरपैती बाजार दियरा क्षेत्र के किसी भी पंचायत में जाने के लिए यह एकमात्र रास्ता बचा है, जो आजकल जल जमाव के कारण तालाब में तब्दील हो गया है। इस पुल को लेकर पीरपैती प्रखंड कार्यालय के तमाम अधिकारी और आम जनों को इसी पुल के सहारे प्रखंड कार्यालय तक जाना पड़ता है, लेकिन इसे पानी का मंजर कहे या फिर प्रशासनिक उदासीनता, क्योंकि इससे इस रास्ते से आवागमन पर ब्रेक लग गया है। बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत के कोसी पार गांव कहारपुर इन दिनों कोसी कटाव की मार झेलने को विवश है। सुबह में ग्रामीण मनीष सिंह का घर कोसी के गर्भ में समा गया। व्यवस्था ऐसी है कि कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कटाव से कहारपुर ग्रामीण भयभीत होकर भगवान भगवान जप रहे हैं, वहीं गांव की सुध लेने के लिए अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। यह सारी बातें गांव के ग्रामीण सनातन सिंह, बिट्टू सिंह, शंकर यादव, कैलू शर्मा, भकलू शर्मा सहित दर्जनों लोगों ने बताया। कोसी के रौद्र रूप को देखकर ऐसा लगता है कि गांव के अस्तित्व को खत्म करके ही छोड़ेगा। उधर दक्षिण दिशा से कोसी का कटाव बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब कटाव से लोग अपने ही हाथों घर को तोड़कर हटा रहे हैं और घर के सामान को सुरक्षित स्थान
तक पहुंचा रहे हैं। जिन लोगों का घर कोसी में समा गया वो दूसरे के खाली घर में रहने को विवश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है मगर अभी तक किसी प्रकार की राहत प्रशासन के द्वारा नहीं मिली है। कोसी कटाव पिछले वर्ष की तरह और भी भयावह आगे बढ़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल के अधिकारी ना ही फ्लड फाइटिंग के अधिकारी गांव में हो रहे कटाव को देखने आ रहे हैं। हालांकि फ्लड फाइटिंग का काम हुआ है पर कोसी के इस भयानक कटाव में कुछ भी असर नहीं पड़ा। अब तक 21 लोगों का घर कोसी में समा चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव का अस्तित्व अब नहीं बचेगा। भागलपुर जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार के निकट कब्रिस्तान के सामने दारू के नशे में धुत एक व्यक्ति सुबह सड़क पर गिरा देखने को नजर आया, जिसको लेकर इस रास्ते से आवाजाही करने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था मगर लोगों की कौन सुनने वाला था। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराबी और नशेड़ी खुलेआम दारू पीकर रोड पर तांडव करते आए दिन नजर आते हैं। इस तरह की समस्या से ग्रामीण तंग आ चुके हैं। कई बार मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को अवगत भी कराया गया मगर यहां के ग्रामीणों की समस्या से निजात कब मिलेगा यह देखना बड़ा सवाल है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार के नशे का कारोबार फल फूल रहा है। यहां के युवा धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं जिसके कारण क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के लोगों का जमावड़ा लगा रहता है और हाल के दिनों में नशाबाज लोगों के द्वारा कई आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। यहाँ पर रोज का यही मामला, आए दिन कोई न कोई गिरा रहता है, पड़ा रहता है, दारू पूल पिए रहता है। हम लोग बहुत सा शिकायत भी किया लेकिन इसका कोई यानी यह नहीं हुआ, निदान समस्या का हल नहीं हुआ। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बिहार के कमजोर वर्ग के एडीजी आईपीएस अधिकारी अनिल किशोर यादव की अध्यक्षता में भागलपुर प्रक्षेत्र के कमजोर वर्ग के संबंधित केसों का रिव्यू किया गया। बैठक के दौरान एडीजी ने भागलपुर, बांका और नगछिया के पुलिस पदाधिकारियों से 2 माह से अधिक समय से लंबित रेप केस, एसिड केस, पीड़िता को मिलने वाले मुआवजे की स्थिति, केस के लंबित होने के कारण पीड़िता की काउंसलिंग और स्पीडी ट्रायल की पूरी जानकारी अधिकारियों से हासिल की। साथ ही मानव तस्करी पर रोकथाम को लेकर उठाए गए कदम की भी जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान अनिल किशोर यादव ने मुख्य रूप से अलीगंज एसिड अटैक, बागवाड़ी दुष्कर्म कांड, नाथनगर में नाबालिग की जबरन शादी और दुष्कर्म केस की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही एडीजी ने पीड़ित और उसके परिजनों के बयान के विरोधाभास के कारण कई पेंडिंग केस में छानबीन कर तेजी लाने का दिशा निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान भागलपुर क्षेत्र की डीआईजी सुजीत कुमार, भागलपुर की सीनियर एसपी नितासा गुड़िया, बांका एसपी अरविंद गुप्ता, नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एएसपी पूरन झा, भागलपुर, बांका और नौगछिया के सभी डीएसपी और इंस्पेक्टर मौजूद थे। ये कमजोर वर्ग से संबंधित अपराधों की समीक्षा, इस पर राज्य सरकार का और पुलिस मुख्यालय का विशेष ध्यान रहता है कि कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार हो, अभियोजन की स्थिति में सुधार हो, इसी के लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और ये वर्कशॉप जैसा था, अधिकारियों की जो समस्याएं हैं उन्हें भी सुना गया और हम लोग जो कानून के प्रावधान हैं उनके बारे में बात की। सर, भागलपुर रेंज में अगर ये जानकारी ली जाए कि क्या बेहतर रहा और किसमें सुधार की गुंजाइश है? मुझे लगता है कि इस बिंदु पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी हम लोगों की ये जो कार्यशाला है तो ये मुख्य तौर पर कानूनी प्रावधानों और उनके अनुपालन के क्रम में अगर किसी तरह की कोई समस्याएं हैं तो उनके बारे में बात है। अभी कोई रेटिंग या कोई फॉल्ट फाइंडिंग या इस तरह की कोई चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको उस रूप में हम नहीं बता सकेंगे। साथ ही में इस मुद्दे के साथ साथ एक दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 41 है, उसके बारे में हम लोगों के यहाँ अधिकारियों के बीच में उसका किस तरह से सही उपयोग किया जाना है इसमें भ्रम की स्थिति रही है बहुत वर्षों से। तो इस पर डीजीपी बिहार सर ने 28 मई 2021 को एक आदेश निर्गत किया था, उस स्थिति में सुधार के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया था, तो उसके विषय पर अभी अधिकारियों को एक प्रशिक्षण की या डिस्कशन की या वर्कशॉप की ज़रूरत है, तो उसके लिए डीजीपी सर ने मुझे निर्देशित किया कि जाकर ये चीज़ देखें। तो ये मुख्य फोकस अभी उधर था और इसके अलावा साथ में SC ST एक्ट के केसों का जो पुराने केसेस हैं उनकी समीक्षा भी की जाएगी।
बीहपुर प्रखंड के मड़वा गांव स्थित मिनी देवघर के नाम से विख्यात बाबा ब्रजलेश्वर धाम मंदिर अपने आप में हजारों वर्षों की कहानी सजोए हुए हैं। सन 1857 की क्रांति के मड़वा के नायक बाबू झब्बन सिंह की वीरता से शहीद होने की गाथा का भी गवाह है यह भव्य मंदिर। जब इस मंदिर के पास के तालाब की खुदाई करवाई गई थी तो कई काले पत्थर की प्रतिमाएं इस मंदिर के इतिहास को बयां कर रही थी। हजारों वर्ष से अधिक महान सम्राट अशोक के शासनकाल की प्रतिमाएं प्रत्यक्ष कहानी सुनाती नजर आती हैं। हर वर्ष बिहार के कोने कोने से श्रद्धालु यहां जल चढ़ाने आते हैं। खगड़िया जिला के अगवानी डुमरिया घाट से श्रद्धालु जल भरकर पैदल यात्रा कर यहां जल चढ़ाने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बालकाल में नटखट शिव के बाल लीला से उभरकर देवराज इंद्र के द्वारा ब्रज से प्रहार किया गया था। ब्रज प्रहार के बाद देवताओं की आलोचना के बाद देवराज इंद्र के द्वारा यहां शिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर निरंतर बेलपत्र और गंगा जल से क्षमा पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद उन्हें शिव के क्रोध रूप से भादवी पूर्णिमा के दिन मुक्ति मिली थी, जिसके कारण भादवी पूर्णिमा का दिन यहां विशेष मान्यता से पूजा अर्चना एवं मेला का आयोजन किया जाता है। पुराण में भी ब्रजेश्वर धाम की चर्चा मिलती है। इस वर्ष कोरोना काल के कारण सावन के प्रथम सोमवारी पर सन्नाटा पसरा रहा। कोविड नियमों का पालन करते हुए पुजारियों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। वहीं सोमवार को कोविड नियमों के पालन के साथ पूजा अर्चना किया गया। मौके पर झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार, दारोगा पवन सिंह सहित पुलिस बल के जवान तैनात किए गए थे। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सनहौली पंचायत के मोहम्मद नसीम के 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद साजम को लाठी डंडा से मारकर घायल कर दिया गया। घायल व्यक्ति को परिजन थाना लेकर आए। थाने से इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर भेजा गया, जहां स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने मोहम्मद साजम को भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। वहीं मोहम्मद साजम के भाई मोहम्मद समीम ने बताया कि एक दिन पहले ही दारू पीकर मोहम्मद झल्लो, अफरोज, कासिफ, एजफू ने मेरे भाई को धमकाया। वहीं सुबह करीब 10 बजे यह मामला सरपंच के संज्ञान में देने गया तो सभी भाई को पंचायती के लिए सरपंच ने अपने आवास पर बुलाया। इसी बीच मोहम्मद साजम को 4-5 आदमी मिलकर बुरी तरह पिटाई कर दिया। प्रशिक्षु DSP सह थानाध्यक्ष विपिन बिहारी ने कहा कि घायल व्यक्तियों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की छानबीन की जा रही है। कैसे हुआ? हम लोग को बुलाई अभी ये सरपंच साहब। क्या, कौन सरपंच? मरगूब सरपंच साहब बुलाई कि आओ आज हम यहाँ पे इंसाफ सबका हल कर देंगे। बोले ठीक है जा रहे हैं, हम सब भाई को लेके निकले। साजम उधर से आ रहा था घर आ रहा था, उसको रास्ता में घर के बगल में पकड़ के 7-8-10 लड़का मिलके सब मिलके लाठी लेके पीट दी। पीटने के बाद सरपंच साहब को बोले, सरपंच साहब ये क्या करवाए? सरपंच साहब बोली ठीक है पहले उसको लेके जाओ डॉक्टर कन। तो हम यहाँ पे लेके आए थाना पर से यहाँ पे बोली जाओ डॉक्टर कन लेके। यहाँ थाना से अभी यहाँ डॉक्टर यहाँ जगदीशपुर हॉस्पिटल से अभी रेफर किया यहाँ मायागंज। कौन कौन मारा? अफरोज मारिस है, इल्लो मारिस है, कासिम मारिस है, कासिम का लड़का दोठो मारिस है। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 19, 20, 21 के ग्रामीणों ने जल जमाव की समस्या से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की मांग को लेकर शाहबाद मुख्य सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक जल जमाव की शिकायत दूर नहीं की जाएगी तब तक सड़क जाम रहेगा। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि नाला का निकासी नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वार्ड पार्षद मनोज यादव ने बताया कि जल जमाव की समस्या को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं कार्यपालक पदाधिकारी को अवगत कराया गया है, लेकिन पैसे का आवंटन नहीं होने पर जल जमाव की समस्या बनी हुई है। आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, उसके कारण हमारा पूरा गांव जलमग्न हो गया है। घर घर में अब स्थिति ये हो गई है कि कोलरा हैजा होने का खतरा है। घर में जल जमाव पूरा हो गया है, इसलिए 20 नंबर, 19 नंबर, 21 नंबर तीनों में पानी भरा हुआ है। ये तीनों में जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। हम लोग ने कार्यपालक पदाधिकारी डिप्टी CM तक को डिमांड मांगे थे, फंड अवेलेबल नहीं है और नाला नहीं बनने के कारण आज सभी के घरों में पानी घुस गए हैं। एग्जीक्यूटिव को दिया, CO साहब को भी आवेदन दिए हैं, तत्काल इसका निकासी एक ही है कि RO रोड तोड़ना पड़ेगा। वैकल्पिक व्यवस्था यही है तत्काल के लिए।